ये पता ना चल रहा हो कि ये मुखन्निस है, ये पता ना चल रहा हो कि ये मर्द है, ये पता ना चल रहा हो तो कि वो औरत है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उस फ़र्द को जो है वो राइट दे दिया जाए कि वो जिस तरफ भी अपने आप को टिल्ट करना चाहता है तो वो कर ले अपना ऑपरेशन करवा के। जमीयत उलमा इस्लाम ने वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ को, औरों को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया, हम आपकी हुकूमत का हिस्सा हैं लेकिन हम कतअन भी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिकन हाउस के प्रोजेक्ट कंकोडिया कॉलेज डेरा इस्माइल खान में FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और ICS में दाखिले जारी हैं। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर महदूद सीट्स बाकी हैं। सईद अहमद अख्तर कैंपस, नवाब अड्डा, मुल्तान रोड, DI खान। ट्रांसजेंडर बिल जो है इसके हवाले से बड़ा कन्फ्यूजन फैलाया गया है, चूँकि हर बंदा सियासी माइलेज लेने के लिए या इख्तलाफात को एक्सप्लाइट करने के लिए, गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक को भड़काने के लिए उन्होंने ट्रांसजेंडर जो एक्ट है इसके हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन फैलाई है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इस पर ये कानून जो है कोई आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, बल्कि ये 1917-18 में जो है इसको इनिशिएट किया गया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो गया और फिर इसको एक्ट की सूरत दी गई। तो इसमें कोई ऐसी इसमें लॉजिक वाली या इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। ट्रांसजेंडर जो है ना वो उसको कहते हैं कि जिसकी जो जिन्स है उसमें क्लैरिटी ना हो, ये पता ना चल रहा हो कि ये मुखन्निस है, ये पता ना चल रहा हो कि ये मर्द है, ये पता ना चल रहा हो तो कि वो औरत है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि उस फ़र्द को जो है वो राइट दे दिया जाए कि वो जिस तरफ भी अपने आप को टिल्ट करना चाहता है तो वो कर ले अपना ऑपरेशन करवा के। लेकिन इस पर अब तनाज़ा खड़ा हो गया है, तो अब गवर्नमेंट में उसमें थोड़ी सी तरमीम कर ली है और उसमें ये कहा गया है कि अब ये इस बात का फ़ैसला डॉक्टर्स का बोर्ड करेगा कि ये जो ट्रांसजेंडर है ये टिल्ट मेल की तरफ है, फीमेल की तरफ है, मुखन्निस की तरफ है, किस तरफ है। तो उस पर बाद बोर्ड के फैसले के बाद जो है वो उसको अख्तियार होगा, जो भी उसकी आएगी फाइंडिंग आएगी बोर्ड की, तो वो अपने आप को जो है उसी तरह ऑपरेट करा सकेगा। अदरवाइज़ ये कोई इतना बड़ा मसला है नहीं जितना इसको बना दिया गया है, और इस पर काफ़ी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है उसको एट स्टेक लगा गया, उस पर लोगों ने मलयन किया है और इसको होमोसेक्चुअलिटी और बहुत सी चीज़ों से मिलाया गया। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, ये एक टेक्निकल मामला है, बाकी रह गई होमोसेक्चुअलिटी है ये चीज़ें तो ये समाज में हमारे बहुत आम है पहले से भी, कोई ऐसी बात नहीं है, इन चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता, ये इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ हैं, ये चलती रहती हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट जो है उसमें थोड़ी सी टेक्निकल जो है वो एक फ्ला था जिसको अब गवर्नमेंट जो है एग्री हो गई है, इस पर लोगों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट्स भी किए हुए हैं, वो जो है हमारी जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उसमें उस पर फाइंडिंग दी है, जो वफाकी शरिया अदालत है उसकी भी इस पर फाइंडिंग आ गई है। तो ये मसला बड़ा एमिकेबली जो है हल हो गया है या हल हो जाएगा, और ट्रांसजेंडर के हवाले से जितनी भी कन्फ्यूजन है ये सारी की सारी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह ये बिल आया तो हमारी पार्टी क़यादत ने आकर इस बात की यकीन दहानी कराई कि जमीयत उलमा इस्लाम अपना बिल पेश करेगी जिसके अंदर जो तरमीम वगैरह वो बेहतर समझेंगे, जिससे वो दीन के मुतालिक रहनुमाई लेंगे और उसके अंदर जो अमेंडमेंट वगैरह होगी वो करके उसे पेश करेंगे जी। और हमारी जो पार्टी का मौक़िफ़ है तो हम भरपूर तरीके से अपने पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, और हमारे अकाबरीन ने पहले भी वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ़ चीज़ों पे ऐसे बिल वगैरह आते रहे, लेकिन उन्होंने कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हुए जो जिस चीज़ की इजाज़त हमारे दीन के अंदर है, तो हमारी पार्टी ने हमेशा से यही कोशिश रखी है कि हम उस चीज़ की तायीद करें जिसकी तईद शरी हदूद के मुताबिक जायज़ हो जी। जब ये सूद का मसला उठा था तो जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना मौक़िफ़ हुकूमत के आगे वाज़े तौर पर रखा था कि हम जो ये शरी मसला सूद वाला चल रहा था, तो उन्होंने वाज़े तौर पर जो बैंक गए थे, नेशनल बैंक वगैरह अपील के अंदर गया था, तो उस टाइम भी जमीयत उलमा इस्लाम ने वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ को, औरों को वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया, हम आपकी हुकूमत का हिस्सा हैं लेकिन हम कतअन भी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो।